सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नितिन्स वायरल ब्लॉगिंग में। सो अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। कल मेरे ब्रांच में कार्ड्स नहीं बिके थे, तो कल शाम को कई सारे कस्टमर्स को कॉल लगाया और उनको बुलाया मैंने ब्रांच में। सो अभी आते कि नहीं वो देखना पड़ेगा मुझे। अब भाईंदर में जितने भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं तो उन सबको तोड़ा जा रहा है, इसी वजह से उनकी मरम्मत का काम चालू है। वो लोकेशन भी दिखाऊंगा इस ब्लॉग में कि जहाँ पर वो बिल्डिंग्स तोड़ी गई है। सो काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग यहाँ पर तोड़ी गई क्योंकि जो पुरानी थी, तो पिछली बार आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा कि कैसे वो स्लैब मतलब साइड का स्लैब नीचे गिर गया और दो चार लोगों की मौत वहीं पर हो गई। तो इसी वजह से, सावधानी की वजह से वो तोड़ा जा रहा है। अभी भूख लग रही है और नाश्ता भी करना है। सो अभी देखते हैं, कहीं पर कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। कल शाम को मैंने एक ब्लॉग बनाया था तो उसको एडिटिंग ही नहीं किया मैंने। सो मन नहीं हो रहा था मेरा, फैक्ट वीडियोस मैं काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरे उस फैक्ट चैनल पर आपको वीडियोस थोड़ी से कम देखने मिल रहे होंगे आजकल, क्योंकि ऐसे मन नहीं होता ना गाइस कि वीडियो अपलोड करे और वो वीडियो वायरल ही ना हो, तो अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से मन रूठ जाता है, इसी वजह से मैं थोड़े से कम वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उस पर। तो अभी यहीं से 50 मीटर की दूरी पर मेरा ब्रांच है, तो देखते हैं आजू बाजू में कहीं पर रास्ता मिलता है कि नहीं। समोसे है, समोसे समोसा नहीं है, भाव लगा दिया। क्या है? 300 रुपये किलो बोलता है। अरे यार बहुत महंगा है। वहाँ पर अगर समोसे रहते तो खा लेता मैं, लेकिन नहीं थे तो भी इडली डोसा ही ऑप्शन है। ये देखो गाइज, मैं इसी बिल्डिंग की बात कर रहा था, सारी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी मेटल्स वगैरह निकले हैं बिल्डिंग से, तो उन सबको साइड किया गया है। इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बिल्डिंग को तोड़ा गया है, ये देखिए। तो अभी वहाँ पर कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं, मैं भी करता हूँ। 30 रुपीज़ के मेदू वड़ी ले रहे, तो अभी यही है मेरा आज का सुबह का नाश्ता। तो अभी मेरा सुबह का नाश्ता हो चुका है और चलो चलते हैं अभी ब्रांच पर। सो अभी दोपहर के टाइम पे ही ब्लॉग शूट कर पाऊंगा मैं, खाना खाने के टाइम पे। सो गाइज, मैं भी लंच के लिए जा रहा हूँ, लंच टाइम हो चुका है। सो कई कस्टमर्स को कॉल लगाया मैंने, लेकिन कोई आने को ही राजी नहीं है क्योंकि सारे लोग काम पर हैं। सो इसी वजह से, बिजी होने की वजह से वो नहीं आ सकते। आज के दिन जितने भी कॉलिंग किए मैंने, तो फिर आज नए कस्टमर सिर्फ दो ही बोल रहे कि मैं आ रहा हूँ करके, और कल के जो 7-8 कस्टमर्स की लीड्स थी तो उनमें से एक भी कस्टमर्स आज आया नहीं। देखिए गाइज, जो भी बिल्डिंग के बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उनको फोड़ा जा रहा है। देखिए गाइज, इस बड़ी सी बिल्डिंग को किस तरह से तोड़ा गया है। सो ये पुरानी हो चुकी थी तो फिर इसे तोड़ना भी ज़रूरी था। हादसों को कम करने के लिए यहाँ पर भाईंदर में जो पुरानी बिल्डिंग्स है, जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, तो फिर उनको तोड़ा जा रहा है। जहाँ पर देखो वहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री के ही रिलेटेड काम चल रहे हैं। जहाँ पर 40 रुपये प्लेट ही राइस प्लेट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा सस्ता यहाँ पर खाना मिलता है। जब मैं काम से छूटा तब ब्लॉग बनाना ही भूल गया। सो अभी मैं दौड़ने के लिए जा रहा हूँ, मतलब रनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। शाम के अभी 7 बज रहे हैं तो अभी सूरज पूरी तरह से ढला नहीं। मेरा दोस्त वो ग्राउंड पर मेरा वेट कर रहा है। सो अभी फटाफट से जाता हूँ, यहाँ से शॉर्टकट का रास्ता काफ़ी ज़्यादा आसान है, और अगर मैं उस साइड से जाता तो लगभग आधा घंटा लग जाता। सो इसी वजह से यहाँ पर 7-8 मिनट में ही पहुँच जाता हूँ, बीच का रास्ता है यहाँ से। सो चलो चलते हैं। पूरी बिल्डिंग की मरम्मत का काम चालू है। देखिए, आपने अभी भी व्लॉग में देखा होगा कि सारी बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है भाईंदर की, जो पुरानी हो चुकी है। सो इसी वजह से इसकी मरम्मत का काम अब से ही चालू है। सो अभी चलते चलते पहुंच चुका हूं मैं इस गार्डन पर। देखिए अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो चलो चलते हैं, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। सो गेट लगाया हुआ है, देखिए अंदर से। देखिए शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग रहते हैं यहाँ पर, मेरा वेट कर रहा था। सो अभी रनिंग करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा योगा वगैरह करेंगे। सो चलो गाइज, मैं अभी रनिंग करता हूँ और मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर कहना, और मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।